23 साल की प्रियंका सोमवार को निकली तो थी गुरुग्राम से दिल्ली जाने के लिए, लेकिन मंगलवार को प्रियंका के घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली। प्रियंका को रविंद्र नाम का उसका दोस्त फोर्टिस अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात प्रियंका और रविंद्र गुरुग्राम के सेक्टर 46 में एक गेस्ट रूम में रुके थे, लेकिन रात में ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका की हालत इस कदर बिगड़ गई कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और 3 बजे ये मैसेज आया था कि फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर एक प्रियंका नाम की लड़की ब्रॉड एडमिट है। फिर हम वहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं, MLR रुपया रिसीव किया है मैंने, जिसमें डॉक्टर साहब ने ब्रॉड एड दिया है। उसके बाद इनके परिजनों को पता करके उनको ये मैसेज पहुँचाया गया है, और उसके बाद इनके पेरेंट्स आए हैं, उनकी स्टेटमेंट पर FIR दर्ज कर दी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं प्रियंका के परिजनों ने रविंद्र और उसके परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जो उनके घर के नजदीक ही रहते हैं। उनके मुताबिक प्रियंका की पीठ पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उन्हें हत्या का शक है। IS की कोचिंग करने 7 बजे हमारा आदमी जाके उसको मेट्रो स्टेशन पे छोड़ के आ गया। कोई बात ना, मेरी बेटी चली गई हमारे लिए। तो सुबह हमारे पास 4:30 बजे पुलिस वाले आते हैं, आपकी बेटी एक्सपायर हो गई। जाके वहाँ देखा, सिचुएशन देखी, हमारी बेटी तो PG गई थी, PG भी यहाँ फोर्टिस में कैसे आ गई। जब उन्होंने सारी दास्तान हमें बताई, यहाँ रविंदर नाम का एक लड़का यहाँ नहीं छोड़ के गया है, और ऐसे ऐसे उसने रविंदर ने फ़ोन किया अपनी माँ को, रविंदर की माँ तीसरा और है, इन तीनों ने मिलके हमारी बेटी का मर्डर किया है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कुछ भी कहने से बच रही है। फिलहाल पुलिस को रविंद्र की तलाश है, क्योंकि वही बता पाएगा कि आखिर IAS बनने का सपना देखने वाली प्रियंका मौत की दहलीज तक कैसे पहुंची।